गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा वर्क क्या है, क्या हम करने जा रहे हैं, उससे क्या खतरा हो सकता है। तो आपको पता है क्या आज का काम है, बताइए। यस सर, क्या काम है आज का काम? मतलब वो क्या बोलते हैं कि राखवे का काम है और नीचे में जीएसटी का काम है। तो उसका क्या क्या खतरा हो सकता है? वाकवे में हम लोग का कटिंग मशीन का काम पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को सेफ्टी में रहना है, हैंगर्स पहन कर रहना है, और जो कटिंग मशीन हम लोग चलाएंगे ग्रेडिंग मशीन उसमें देख लेंगे कि ब्लेड लगा हुआ करेंगे तो देख लेंगे कहीं पे फायर वायर के लिए कुछ नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा दूर हटा कर रखेंगे। उसके बाद जो वेल्डिंग करेंगे फायर वो रखना पड़ेगा। और क्या होता है कि आसपास में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो आसपास में बर वगैरह गिरा रहता है, या कटिंग करते हैं तो उसके वेस्ट मटेरियल वहीं पे गिरते हैं। तो उसको क्या करना है कि टाइम टू टाइम, जैसे हमारा वर्क फिनिश हुआ अभी तुरंत क्लीन कर दिए, ये नहीं कि हम इवनिंग टाइम में जाएंगे तो उस टाइम क्लीन करेंगे। तो उससे पहले हम बीच में कई बार इधर साइड मूवमेंट करेंगे, हो सकता है कि हमें उसके पर हमारे सोच में चले जाएँ, पैर में चुभ जाए, तो हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सबसे सेफ्टी करने का एक ही उपाय है कि जब भी हम अपना काम फिनिश करें एंड टू एंड उसी टाइम क्लियर कर दें, क्योंकि हमें खतरे को आमंत्रित नहीं करना है। ऑन द स्पॉट बाई क्लीन वर्क। ओके, तो जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं तो मेन रीजन क्या हो जाता है कि आपको हाउसकीपिंग पुअर मिलता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। हाउसकीपिंग अगर क्लियर रहेगा तो हमें लगता है कि 90% खतरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।